आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की हिदायत पर पंजाब भर में नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने 15 हेल्पलाइन कॉल्स रिकॉर्ड जारी कर दिया। मई में लाहौर समेत पंजाब भर से 28,41,223 कॉल्स मौसूल हुई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस फैक्ट्री एरिया और मनामा की मुश्तरका कार्रवाई, दो भाइयों और भाभी पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। और जातली पुलिस रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई, अहलिया को कत्ल करने वाला सिफाक मुलजिम वकास चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं आजिल हसनात। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की हदायत पर पंजाब भर में नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। रवां साल सुबह भर में किरायेदारी इंदराज, असलहा की नुमाइश और लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 17,490 मुकदमा दर्ज हुए और 9,236 अफराद को गिरफ्तार किया गया। किरायेदारी ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 3,420 मुकदमा और 6,029 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने हदायत दी कि सुपरवाइजरी अफसरान नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन को मजीद मौसर बनाएं। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम कवानीन की पासदारी को सख्ती से यकीनी बनाया जाए। प्रॉपर्टी मालिकान समेत तमाम किरायेदारों के क्वाइफ मकामी पुलिस स्टेशन में लाजमी दर्ज करवाए जाएं। जीटी रोड और हाफसाबाद में फायरिंग से हलाक होने वाले अफराद का मामला, आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने वाकयात का नोटिस ले लिया। कालाशाह काकू जीटी रोड पर फायरिंग से 4 अफराद जां बाक हो गए, जबकि हाफसाबाद में 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। पेश आने वाले दिलखराश वाकयात पर आईजी पंजाब ने सीनियर पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचने की हदायत की। उन्होंने वाकये में मुलविस तमाम मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर टीमें तश्कील देने का हुक्म दिया है। बरतानिया के इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एड इम्पैक्ट के वक्त का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। कमीशन ने सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और UNFPA के इश्तराक से विमेन सेफ्टी ऐप आगाही मुहिम का जायजा लिया। बरतानिया के इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एड इम्पैक्ट के वफ्द ने चीफ कमिश्नर डॉक्टर टिमसन बार्टन की सरबराही में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा किया। दौरे के दौरान चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी मोहम्मद कामरान खान ने कमीशन को वीमन सेफ्टी ऐप, एमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म, चैट सिस्टम, एमरजेंसी कॉल्स और दीगर फीचर्स बारे बताया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का कहना था कि पंजाब भर में अब तक 1,70,000 खवातीन वीमन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल कर चुकी हैं। विमेन सेफ्टी ऐप आपकी मदद के लिए दस्तियाब है। विमेन सेफ्टी ऐप से वर्किंग और घरेलू खवातीन, तालबात समेत तमाम शोबों से वाबस्ता खवातीन मुस्तफीद हो रही हैं। UNFPA, सिविल सोसाइटी और NGOs के तावुन से विमेन सेफ्टी ऐप की आगाही मुहिम जारी है। चीफ कमिश्नर इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एड इम्पैक्ट डॉक्टर टिमसन बार्टन ने कहा कि विमेन सेफ्टी ऐप खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए पंजाब पुलिस की उम्दा काविश है। विमेन सेफ्टी ऐप की आगाही और बेहतर पुलिस रिस्पांस बारे दूर दराज इलाकों में तरबियत की ज़रूरत है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने चीफ कमिश्नर डॉक्टर टिमसन बार्टन को शील्ड भी पेश की। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने 15 हेल्पलाइन कॉल्स रिकॉर्ड जारी कर दिया। मई में लाहौर समेत पंजाब भर से 28,41,223 कॉल्स मौसूल हुई। 2,05,941 कॉल्स पर पुलिस की मदद फराहम की गई। मुख्तलिफ मालूमात के हसूल के लिए 84,625 कॉल्स मौसूल हुईं। मौसूल शुदा कॉल्स में से 16,51,217 कॉल्स गैर मुतलिका थीं। ट्रैफिक से मुतलिका 10,891 कॉल्स पर रहनुमाई की गई। लाहौर लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की मदद से 39 मोटरसाइकिल्स, 2 रिक्शे मालिकान के हवाले किए। शहरी 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन पर गैर ज़रूरी कॉल्स से इजतनाब करें। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इकबाल टाउन लाहौर की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन रिजवान तारिक के मुताबिक अंधे कत्ल की संगीन वारदातों में मुलविस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सांदा ने शहरी मुजफ्फर के अंधे कत्ल की वारदात में मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान आपस में करीबी दोस्त हैं और मुलजिम कादिर के घर में इकट्ठे बैठकर आयस का नशा कर रहे थे। इसी दौरान मामूली झगड़े पर मुलजिम कादिर ने मकतूल मुजफ्फर के सर में फायर मार के कत्ल कर दिया था। मुलजिमान को मुख्तलिफ मालूमात समेत CCTV कैमरों की मदद से तलाश किया गया। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन पुलिस वहदत कालोनी ने नकबजनी के 114 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम इश्तियाक से 8,00,000 रुपये से जायद मालियत का माल मसरों का बरामद कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस फैक्ट्री एरिया और मनामा की मुश्तरका कार्रवाई, दो भाइयों और भाभी पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया।
जायदाद के तनाजे में मुलजिम वकास ने भाई और भाभी पर फायरिंग की थी। मुलजिम की फायरिंग से भाभी फौजिया जहां भाग, जबकि दो भाई शदीद जख्मी हो गए थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट हमजा ईमान की सरबराही ने पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई से मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जातली पुलिस रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई, अहलिया को कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम वकास चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम वकास ने घरेलू नाजाकी की वजह से छुरी के वार करके अहलिया आरफा को कत्ल किया था। सीपीओ रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने अफसोसनाक वाक़या पर नोटिस लेते हुए मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। वारदात में मुलजिम की सहूलतकारी करने वाले दो मुलजिमान उमर और रदनान को वाक़े के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलजिम वकास और उसके सहूलतकारों को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत किया जाएगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए PSCA.media और सोशल मीडिया पेजेस।